आखिर किस वजह से शिव ठाकरे को लेकर ये सारी बातें सामने आ रही हैं कि भाई शिव ठाकरे जो है बहुत ज़्यादा हम्बल हैं। शिव ठाकरे की एक वीडियो है जो इस समय बहुत ज़्यादा सरफेस पर है, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या कर रहे हैं शिव ठाकरे और किस वजह से इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग पर हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट करीश कांदू। शिव ठाकरे भाई इस समय लिटरली दिल जीत रहे हैं लोगों के। जिस तरीके से शिव ठाकरे का बिग बॉस का जर्नी रहा है, हो ना हो एक चीज़ उन्होंने सीखी है कि कैसे हम्बल और ग्राउंडेड रहना चाहिए, क्योंकि जिस जगह से वो आते हैं उस जगह ने, उनकी जर्नी ने उनको सिखा दिया है कि हमेशा ज़िंदगी में ग्राउंडेड रहना है। और शिव ठाकरे इस चीज़ का क्रेडिट ग्राउंडेड रहने का, हम्बल रहने का, अपनी मम्मी को देते हैं हमेशा। अगर आप उनका कोई भी इंटरव्यू देख लो, जैसे अभी रिसेंटली बिग बॉस जीतने के बाद अपने गाँव पहुँचे थे वो, और गाँव पहुँचने के बाद शिव ठाकरे कहते हैं अमरावती पहुँचे थे तो बोलते हैं कि मैं जब पहुँचा मैं 5 घंटे लेट था, ऑलरेडी इतना ज़्यादा क्राउड, मैं घर पर पहुँचा तो मैं दूसरी जगह सोने के लिए गया क्योंकि मेरे घर के नीचे 500-600 लोग खड़े थे एक साथ। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी को मैंने बोला कि मैं 3-4 दिन से सोया नहीं, मेरे को सोने देना। मैं सुबह 4 बजे सोने गया, मम्मी ने मेरे को 8 बजे उठा दिया ये बोलते हुए कि जाके सबको सेल्फी दे, सबको फोटो दे, किसी का दिल नहीं दुखाने का। और ये सारी चीज़ें हैं जो शिव का दिल, मतलब शिव को भाई लिटरली क्रेजी बना रही हैं भाई, अलग बंदा बना रही हैं उनको। और आप नोटिस कर लो जितने भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं सब में अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है ना तो शिव ठाकरे को मिल रहा है। शिव ठाकरे और उसके बाद प्रियंका चार चौधरी और फिर एमसी स्टैन, इन तीनों को जनता जो है सलाखों पर बिठा रही और बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। तो हाल ही में शिव का एक वीडियो था, एक फ़ोटो था, आप देख सकते हो ये, इस फोटो में यही है शिव का कि वो उनकी एक फ़ैन है जो उनसे मिलने आती है, रोना शुरू कर देती है। तो शिव उसको जिस तरीके से कम्फर्ट करते हैं कि मतलब ठीक है, इट हैपन्स, वो चीज़ लोगों के दिल जीत रहा है। इस पर जनता का क्या रिएक्शन है? कोई लिख रहा है भाई ही इज़ द विनर ऑफ हार्ट्स, कोई लिख रहा है कि शिव ठाकरे सीज हिज फैंस एज फैमिली एंड पीपल कनेक्ट टू हिम। और ये चीज़ सही भी है, सच में लोग शिव से कनेक्ट करते हैं। अब अगर आप एयरपोर्ट पे भी उनको देखोगे तो एक वीडियो था उनका बीच में आया था एयरपोर्ट पर, मीडिया से बात कर रहे हैं, बोलते हैं मैं मेरी मैजिकल लाइफ जी रहा हूँ जिसके लिए मैं विश करता था तो बहुत खुश हूँ। उसी बीच एक फीमेल फैन उनके पास आती है, बोलती है मेरा सपना पूरा हो गया, और शिव के साथ सेल्फी लेती है और रोना शुरू कर देती है। जिसके बाद कोई लिख रहा है ही इज़ वेरी हम्बल, कोई लिख रहा है कि भाई शिव ठाकरे द मोस्ट राउंडेड पर्सन आई एवर सीन। फिर को लग रहा है द वे ही कंसोल्स द फैन गर्ल व्हाइल शी वाज क्राइंग हैज़ माय होल हार्ट। फिर को लग रहा है एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे यार शिव ठाकरे, आई जस्ट लव यू ब्रो टिल द मून एंड द बैक। फिर को लग रहा है कि शिव इज एब्सोल्यूट लव एंड आई विल लर्न एक्टिंग एंड व्हेन ही विल मीट आई विल क्राई, ताकि वो मेरे को प्यार से कंसोल करे, हा हा। फिर को लग रहा है आ पीपल आर कनेक्टेड टू हिम सो मच दैट दे आर क्राइंग यार दिस लव ही हैज अर्नड। फिर को लग रहा है इज डाउन टू अर्थ सेंसिटिव एंड लवली नेचर हैज मेड अस सो मच कनेक्टेड विथ हिम, एब्सोल्यूट लव शिवस। इस बारे में आपकी क्या राय है, ये जो जनता से जो प्यार मिल रहा है जिस तरीके से शिव ने कंसोल किया उस लड़की को, इस उनके फ़ैन को, इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रही हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।